तो दोस्तों अभी हाल ही का ही बात है कि अभी कुछ ही समय पहले रास्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान देखने को मिला है TVS का ही Apache RR310 का ही एक न्यू फेसलिफ्ट वाला मॉडल और उसका ही इमेजेस जो है ना तो वो आपके सामने है। अब दोस्तों मेन जो बात है ना तो वो है कि न्यू TVS Apache RR310 के अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड चीजें जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और सुना जा रहा है कि भाई पावर भी बढ़ाने वाला है TVS कंपनी। तो दोस्तों अभी मेन मुद्दा जो है ना तो वो है कि रास्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान TVS Apache RR310 वाला जो मॉडल है ना तो उसको देखने को मिला है और जैसे कि देख ही सकते होंगे उसका ही एक जो इमेज है ना तो वो आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर टेल लाइट से लेके ये जो बॉडी का साइड पार्ट जो है तो वो भी आप लोग देख रहे होंगे। बाकी बात असल में कुछ ऐसा ही है कि जो न्यू TVS Apache RR310 जो आएगा ना फेसलिफ्ट वाला मॉडल, तो उसके बारे में कुछ यही बोला जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो है ना तो वो पहले बात तो है भाई दोनों न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एक जो है ना तो वो है कि भाई TVS Apache RTR310 जो आज के डेट का मॉडल है ना तो उसके ही सीट के नीचे ठंडा या फिर गर्म करने के लिए जो मशीनरी जो यूज किए गए हैं ना तो वो सेम जो फीचर्स है तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि TVS का ही Apache RR310 में देखने को मिलेगा न्यू वाले मॉडल में। साथ में एक और भी चीज जो कि बोला जा रहा है कि TVS Apache RR310 के अंदर जो पावर है, मतलब की जो टॉर्क है या फिर BHP जो है ना तो वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि अभी के रेट का जो TVS Apache RR310 वाला जो मॉडल के अंदर इंजन देखने को मिलता है तो उसके अंदर आपको जो इंजन है ना तो वो एक 310cc वाला एक लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DHT 4 वाल्व वाला इंजन देखने को मिलेगा, रिवर्स इंक्लाइन वाला, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है आज के रेट में जो पावर तो वो है भाई 34 BHP और उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो भी देखने को मिले 27 Nm। लेकिन भाई जो न्यू वाला जो मॉडल आएगा ना तो उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंजन के अंदर मैक्सिमम पावर जो होने वाले है तो वो भी भाई 35 BHP के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में जो टॉर्क है ना तो वो भी 29 Nm तक जो है तो वो बढ़ सकता है। बाकी तो 6-speed के गियरबॉक्स के साथ साथ आपको जो असिस्टेंस सुपर क्लच वाला जो सिस्टम है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो न्यू TVS Apache RR310 वाला जो मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ न्यू कलर्स, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है मेन जो कुछ कलर्स ना तो उसके अंदर पहले बात तो है ब्लैक और इसके ही साथ एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है तो वो है रेड भी। साथ में एक व्हाइट वाला जो मॉडल है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में ही भाई उसका जो कुछ लुक्स है ना तो उसके अंदर भी भाई थोड़ा बहुत चेंजेस जो है ना तो वो देखने को मिलने वाले हैं आज के डेट के TVS Apache RTR310 से भी कुछ ज्यादा सा जो चेंजेस है ना तो वो कुछ देखने को मिलने वाले हैं फाइबर कटआउट्स में। और इसके अलावा एक और भी चीज बोला जा रहा है कि TVS Apache RR310 के अंदर जो फीचर है अभी के डेट में तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में ही है, तो इसी वजह से कुछ न्यू जो फीचर है ना तो वो शायद से इंट्रोड्यूस नहीं करेगा TVS Apache RR310 के ही भाई न्यू मॉडल में भी। मतलब कि जो फीचर्स है अभी के रेट में तो उसके अंदर आपको राइडिंग मोड से लेके और इसके ही साथ साथ जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी मतलब TVS SmartX कनेक्ट वाला जो फीचर है ना तो वो कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके ही साथ साथ भाई जो टेम्परेचर वगैरह जो मापते हैं इंजिन का और इसके अलावा जो भाई टायर प्रेशर भी जो मापने का जो इंडिकेटर है ना तो वो सारा कुछ जो चीज है तो वो तो भाई पैसे भी देखने को मिल ही रहा है, साथ में USB चार्जिंग पोर्ट भी, तो इसी वजह से फीचर्स में उतना कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साथ में एक और भी चीज बोला जा रही है कि जो न्यू TVS RR310 Apache का जो आएगा ना मतलब फेसलिफ्ट वाला मॉडल तो उसके भी अंदर आपको डिस्प्ले के साथ में डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ में जो USD फोक्स है ना सामने का सस्पेंशन और पीछे जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो वो भी कुछ सेम ही देखने को मिलने वाले हैं। और लाइट्स का जो सेटअप है तो वो तो भाई LED के अंदर पहले भी था और अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, साथ में LED प्रोजेक्टर लाइट भी मतलब पहले की तरह। और इसके अलावा तो हैजर्ड इंडिकेटर जो है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, मतलब हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर जो है तो वो। और इस बार जितना सुना जा रहा है ना तो वो है कि भाई अभी जो मिडल कंसोल का स्टाइल है ना TVS RR310 के अंदर तो वो कुछ चेंजेस होने वाले हैं, मतलब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई पहले की तरह ही एक TFT कलरफुल डिस्प्ले। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।